नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आनंद वाली लाइफ के एक नवका व्लॉग में। तो अभी दिन का बज रहा है दोस्तों 2:15। देखिए मोबाइलों जो फूटा है नहीं, ब्लॉग ये बनाने के चक्कर में फूटा है। एक जगह रख दिए थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, रोशनी कमी था रात में, तो चल गया मोबाइल LKD में। बड़ा कष्ट है जीवन में दोस्तों। खैर, और हमको समझ में नहीं आ रहा, हम अपना दुख का जो बखान है, जीवन जो मेरा जेठालाल है, उसको किस तरह हम आप लोग के सामने बयां करें। पिछला 2 दिन से हम ब्लॉग नहीं बनाए हैं, टेंशन देख रहे हैं। मेरा स्किन थोड़ा टाइट आपको लग रहा होगा, देख रहे हैं, थोड़ा नजदीक से देखिएगा ना तब पता चलेगा। ये पता नहीं साला डॉक्टर, एगो थर्की डॉक्टर से बोले नहीं थे, हम दिखाने गए थे, उससे दिखाया दवा, हमको लगता है रिएक्शन मार दिया है। अब क्या कर दिया नहीं कर दिया है, डॉक्टरों से जाके दिखाना पड़ेगा। तो शाम में चलेंगे उसी डॉक्टर से दिखाने के लिए। दुविधा देखे कितना है, आज मेरे थिएटर क्लास में नया चैप्टर चालू होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और आज ही हमको डॉक्टरों के पास जाना। डॉक्टर का टाइमिंग है 5 से लेके 7 तक, क्लास का टाइमिंग है 5:30 से 8 तक। यहाँ से उसके पास जाने में हमको 3 घंटा लगेगा, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब जो दिक्कत है वो तो 2 घंटा बाद का ना दिक्कत है, अभी का जो दिक्कत है प्रेजेंट का वो दिखाएंगे। तो पहले तो 2 गाली दीजिएगा हमको, दिखा एक बार मेरे रूम का कंडीशन देखिए, देख रहे हैं क्या करें हम, इसका समझ में नहीं आता। देखिए ये चौकी रूम ओनर से मांग के लेके चले आए, समझे, पटिया लिए थे उसको। इधर देखिए, देख लिए रूम कितना ज्यादा गंदा था, अभी जादू दिखा। क्या दोस्तों, रूम साफ लग रहा है, लेकिन रुकिए, डायरेक्टली जादू देखने से पहले मेरा स्ट्रगल तो देखिए कितना ज्यादा हमें स्ट्रगल किए। रूम का हाल ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि कारपेंटर आया था, समझे, कारपेंटर को ये सब जो था ना ये सब नहीं लगा हुआ था। तो रूम ओनर को बोले कि भाई लगवा के दीजिए, पैसा ले रहे, फ्री में थोड़े देंगे, ये तो देना ही पड़ेगा। तू लगवाया, उसी के चक्कर में सब कुछ साला इधर उधर हो गया, जान रहे हैं। ये खिड़की है ना, खिड़की पे जब कील ठोक रहा था साला ये सब टूट टाट गया। देखिए इतना कमजोर रूम है, इतना कमजोर, हमको लगता है एक बार भूकंप आएगा सब एकदम गायब, पूरा गायब। कौन सा गंजा मार के रूम को बनाया हमको नहीं पता है। देखिए जैसे ई लगा हुआ था पहले से, लेकिन इसमें छेद नहीं था, इसको घुसाना आया तब जाके करवाया। अच्छा यो नहीं था, सॉरी सॉरी, बाथरूम में तो आपको पता है बाथरूम में छिटकली नहीं लगता था, बाथरूम में तब उसको ठीक करवाए। हैंगर लेकिन ढेर सारा लगवाए, कि 2 हैंगर यहाँ पे लगवाए, यहाँ पे 2 हैंगर इस साइड लगवाए, और एक बाथरूम में लगवाए, मतलब कि हैंगर 5 गो लगवाए। पूछिए हैंगर इतना ज्यादा काहे लगवाए, इसीलिए लगवाए दोस्तों, मानिए जाने वक्त अगर सिक्योरिटी मनी नहीं दिया सब हैंगर खोल के लेके चले जाएंगे। मस्त प्लान है, बोल भी रहा था भाई कुछ खोल बोल के मत लेके जाना, आप लोग को कोई भी दिक्कत होगा हमको बताइएगा। ऊपर फ्लोर में जो आदमी सब रहता है ये सब बोल दिया कि हम यूट्यूब पे वीडियो सब बनाते हैं, अब वो साला मेरा चैनल का नाम लेने के लिए मार कर दिया, नहीं हमको बताइए हमको बताइए। हम बोले पागल हो गए, आप ही के रूम पे तो कांड करेंगे, आपको बता देंगे तो आपको पता नहीं चल जाएगा, इसलिए बता ही नहीं। अभी फिलहाल ये हमको रूम ठीक करना पड़ेगा, 5 दिन से ऐसा ही है रूम, और रूम जब आपका अजगज रहता है तो दिमाग भी व्यस्त रहता है, तो पहले रूम ठीक करना पड़ेगा। एक बात ये भी है दोस्तों, जब हम कपड़ा पहनने के लिए खोजने लगेंगे ना हमको एक कपड़ा नहीं मिलेगा, जब सैतने के लिए खोजने लगेंगे, देख रहे हैं भरमार कपड़ा का, देखिए इतना कपड़ा कहाँ से आ जा रहा, मेरे पास तो नहीं था बा ना, इतना तो नहीं था। लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी का नाम आनंदी, चलिए ठिकाना लगाते हैं। जिस कपड़ा के बारे में सोच लेंगे इसको अंदर रख देते हैं, तो इसी दिमाग में आ जाएगा, नहीं इसका तो काम, इसको तो पहनेंगे। क्या हो रहा है जीवन में, एक तो साला रूम ओनर एक कबर्ड नहीं दिया, दोस्तों आप ही बताइए वो कबर्ड और एक दीवान पलंग तो बनता था कि नहीं। क्या करिए, आने वाला स्टार को नहीं पहचान रहा है लोग। दोस्तों स्ट्रगल खत्म हो गया है, रूम पूरा साफ हो गया है, दीजिए एक लाइक, मतलब एक शाबाशी हमको, समझ रहे हैं ना दोस्तों। और जानते हैं दोस्तों नीचे में भी पोछा मारे हैं, आज हमको पता चला कि पोछा मारने में कितना ज्यादा कष्ट होता है, मम्मी डेली पूरा घर में मारती, समझ रहे हैं, हम एक दिन एक रूम को मारे हैं ना तो हमको मन कर रहा है इसी खिड़की से यहाँ से कूद जाए। मम्मी घर में पोछा मारती थी, हमको लगता है डेली क्या मारना है क्या बाप, सब कुछ नहीं, लेकिन जब अपने से मारिए तब पता चलेगा आउट ऑफ औकात चीज है ये सब। अपना लोग बस हवा निकल गई, जैसे इसको साफ किया अब शरीर को साफ करने का बारी आ गया, क्योंकि लड़की सब रूम देख के थोड़े पटती है दोस्तों, लड़की सब तो शरीर देख के पटती है, डोला सोला मछली तो है ही, थोड़ा चिकन चुनमुन बन के आते, 1 सेकंड के अंदर नहाक मिले दोस्तों, 1 सेकंड के अंदर खा लिए हैं, और समय हो गया है आपका 4:18 हो रहा है, और ना ही अब डॉक्टर के पास जा पाएंगे क्योंकि दोस्तों 5:30 बजे से कोचिंग है, और आज से नया चीज चालू होने वाला स्टेटस सुनने में आया, बहुत कल सर पूरा डीलिंग दे रहे थे कि बहुत जरूरी है तो वहां जाना पड़ेगा। खैर उससे पहले दोस्तों वो बात तो जान रहे हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो ये खाते हैं उसके बाद चलते हैं, खाने मना है वेजिटेरियन सबका, नॉन वेज।
कैबेज मतलब कटहल दोस्तों। देखिए एक बार, आहा, तो हड्डी तो नहीं लेकिन कटहल चिबा के अब चलिए कोचिंग की तरफ चलते हैं, तब ना हीरो बनेंगे दोस्तों। चलिए देख रहे हैं, इस साला स्किन मेरा टाइट टाइट हो जा रहा, डॉक्टर के पास जाना था लेकिन मजबूरी। आज एक नया चीज सर, इतना नकल डोजे दे दिए ना सर कि आज इतना बढ़िया चीज पढ़ाएंगे, इतना बढ़िया चीज बताएंगे, मजबूरी में जाना पड़ रहा, नहीं तो आज जाते डॉक्टर के पास। खैर चलिए देखते हैं क्या जादू होता है। अभी देखिए दोस्तों बस स्टैंड जा रहे हैं, जब दिल्ली में कुछ नहीं बढ़ता है ना तब कोरोना का केस सब बढ़ जाता है, तो यहाँ से दो बस जाता है जहाँ हमको जाना है, 85 नंबर और 73 नंबर, लेकिन हम जाके 85 पकड़ेंगे क्योंकि 73 जो है ना उधर जाता है जहाँ कोरोना वाला मरीज सब, RML हॉस्पिटल है यहाँ काफी बड़ा वहीं। खैर चलिए अजानते यहाँ से जब तक बस स्टैंड पहुँचेंगे तब तक हम जिस पे चढ़ के जाएंगे वो सब बस गुजर जाएगा, पहुंचने के साथ एक कोक बस नहीं आता, बड़ा कष्ट है जीवन में दोस्त। खैर वहां आप देख रहे हो मुंबई इंडियंस का गाड़ी जा रहा है बा। अभी इसमें ईशन किशन और सूर्य कुमार यादव भी बैठा हुआ था, तो देख रहे हैं उधर ट्रेनिंग चल रहा है हीरो बनने का, हमको लेट हो गया, क्या होगा आज। दोस्तों क्लास खत्म हो गया, हीरो वाला आप जा रहे हैं यहाँ से खरीदने के लिए, हम अपना राहुल गया। इसको अभी कॉल किए बोले अभी फ्री चल रहा है मैकबुक खरीदना, पूरा एकदम गदगद हो गया, आपके हाफ खरीदे देख रहे हैं दोस्तों, इसीलिए हम बोल रहे हैं सब्सक्राइब मारिए तब ना खरीदेंगे। चलिए दोस्तों अभी राव सब्सक्राइब का भी आ जाएगा, कहीं घबरा रहे हैं गाँव में आपको दिक्कत ना हो। दरोगा साहब ने थे वही मैकबुक लेने वाले थे, सोचिए ना विंडोज खरीदने के लिए पूरा दुकान तक चले गए, मोल मोलाई कर लिए, बिलिंग करने टाइम उसको हम कन्विंस कर दिए भाई मैकबुक ली, अभी आ रहा है CP, चलिए मैकबुक खरीदते हैं, देख रहे हैं ना कन्विंस पावर। दोस्तों चलिए CP चलेंगे कैन नॉट प्लेस, वही वाला जगह जहाँ पे हरियाली धनिया के भाव में मिलती है, उजरा उजरा मैच कर रहा। तो दोस्तों फाइनली गाड़ी खरीद लिए हैं, अब इसी सॉरी यहाँ CP पहुँच गया दोस्तों, पीछे हम फ्यूचर वॉल देख रहे हैं, इसी के अंदर मैकबुक लेना, अभी राहुल भैया का दरोगा के बेटा का मेरा नहीं, तो अभी उन्हीं का इंतजार कर रहा है, फिलहाल हम दोनों इसी गप सप कर रहे हैं कितना जल्दी करोड़पति बन जाना, क्या बात बहुत जल्दी बन जाएंगे, जैसा इसका स्पेक्स देख रहे हैं ना, ऐसे ये 2 चश्मा खरीदे दोस्तों बहुत जल्दी उसका भी डिजाइन आपको दिखाएंगे, डिजाइन में कमी नहीं होना चाहिए। CP आने के बाद जानते हैं आपको अपने गरीब होने का एहसास जरूर हो जाएगा, ये देखिए गाड़ी हम खरीदे थे लेके कोई और जा रहा है दोस्तों, दे दिए गरीब ड्राइवर मेरा गाड़ी निकाल रहा, फिलहाल दरोगा बेटा इंतजार है आने दीजिए तब मैकबुक देखते हैं कैसे कैसे क्या बांधे। दोस्तों क्या कहता दुकान बंद होने वाला था, दरोगा साहब अभी तक पहुंचे नहीं, हम लोग चले गए यहाँ पे एक शोरूम था फ्यूचर वर्ल्ड उसमें भी गए, 2 दुकान था यहाँ पे एप्पल वाला दोनों में गए, और घुस नहीं एक साथ कौन दिखा पता है, छपाक मूवी देखे दीपिका पादुकोण वाला जिसमें एसिड अटैक हो जाता है, उसकी जो रियल लाइफ जिसपे बना है वो दिखे, हिचकिचाहट हो गया, जाके बात तो नहीं किए लेकिन हम दोनों पहचान गए, ये हमको बोला हम इसको ले भाई देखा मैकबुक के बारे में पता करने गए, भाई लोग तो ऑफर लगा रहा है बुढ़पा को ना 99,000 ऑफर है, मतलब एक्स्ट्रा लग जाएगा मगर 99,000 वहाँ 83 बोल रहा है, ऑनलाइन नहीं ले लेंगे 70 कितना 79 में दे रहा, बता इतना रोशनी कहाँ से आया पता है, चमक जो गए हैं, कभी कभी जेठालाल का जीवन में बबीता जी आ जाती है, ये सब जो बोर्ड है ना दोस्तों बबीते जी वाला रोशनी प्रोवाइड कर देता, नहीं तो हम कैमरा निकालते हैं साला अंधेरा हो जाता, रोशनी गायब जैसे अभी अंधेरा हो गया, क्या करे दरोगा साहब को फोन करके बोल दे मना कर दे क्या। दोस्तों चाय के दुकान पे डिजाइन देखिए, देखिए बाप रे बाप देख रहे हैं दोस्तों, दरोगा साहब आ चुके हैं लेकिन बात ये है दरोगा साहब बोल रहे हैं कि आप ऑनलाइन नहीं लेंगे, मतलब ऑफलाइन में पता कि ऑफर ऑफर कुछ है नहीं क्या दरोगा साहब, ऑफलाइन नहीं अच्छा परसों जब डिलीवरी देगा तब क्या होगा, परसों डिलीवरी देगा दोस्तों, अरे थोड़ा डाउन टू अर्थ आदमी ना बताते नहीं सब बड़ा बड़ा बात दोस्त, हम तो दिखा अभी घर पे जाके ऑर्डर मारने वाले। What is this? चश्मा आ गया है, आ गया चश्मा, अरे तो राके बवाल दोस्तों। दोस्तों रूम पे पहुंच गए और जादू दिखाते हैं, अभी सुबह हम डिजाइन दे रहे थे चश्मा लिए, चश्मा आ गया है दोस्तों। एक और है नॉट वन, जानते पैसा की कमी है दोस्तों, पैसा की कमी होना चाहिए ना, ना, ना कोचिंग में ब्यूटीफुल लड़की सब है, उसके दूसरा वाला क्या मतलब वही उसी को फिर से ऊपर करेगा, बाहर दू गो है बाहर कवर सेम है माँ की दू देख रहा है दू जादूगर, अब लगा के दिखाते हैं पकड़े राहुल एक बार, क्या राहुल भैया क्या पहने हुए राहुल भैया, ये क्या है राहुल भैया चड्डी पहन के कौन रहता है, हाफ पैंट पहनिए ना विचित्र बोलिए कैसे कैसे रह रहे हैं। अब देखिए दोस्तों आपको हम डिजाइन दिखाते हैं, कैसा लग रहा है दोस्त, लग रहे हैं ब्यूटीफुल, आप ही बताइए हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप अपने मन से बताए लग रहे ना हैं सब, इसमें तो हमको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा क्या कि जो लग रहे थोड़ा जुल्फ सवार लेते, अरे भाई भाई क्या लग रहे हैं दोस्तों, एक और सरप्राइज है सॉरी पहली बार ना चश्मा पहने हैं, पहली बार चश्मा पहनने के बाद ये सब गलती हो जाता, ये देखिए
क्या लग रहा है ना सेक्सी दोस्तों, मैं सेक्सी पल्ली कल से यही वाला डिजाइन देख रहे, चमक रहा होगा सब बगल बगल से, लड़की लोग तो ऐसे आनंद बाबू आइए गला लग जाइए भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी सेंट भी बढ़िया दे रहा है दोस्त, कोई सेंस है इस बात की हमें बहुत लग रही थी उस टाइम सच बताइए कैसा लग रहा है दोस्तों, लग रहा है ना माल, क्या बोला तूने सॉरी कमाल मुंह निकल जाता, वैसे हम मैं बढ़िया आदमी पता है ना, इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना दोस्तों। जानते हैं चश्मा लिए का है, चश्मा का मेन रीजन ये है कि आप देखिए ब्लॉग एडिट करना रहता है, पूरा दिन फोन पे काम रहता है दोस्तों, वैसे हमको ज्यादा देरी चश्मा लगा के रखना नहीं है, बस 24 घंटा, बस 24 घंटा, क्योंकि पूरा दिन तो फोन पे ही है। ये देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है, देखिए अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। एक बार देखिए कैसा, पानी है, पानी ये सब राजा महाराजा वाला शौक है, ये बल्दा ए देखिए फिर पहनने लगा, पानी अब ऐसे ही रखना, लाइए चश्मा, लाइए चश्मा, लाइए ना समझे दोस्तों, तो ये ब्लू कट चश्मा देखिए तुरंत पहनने लगता है, ये ब्लू कट चश्मा हुआ तो मतलब कि ये पहन के अगर स्क्रीन सब देखेंगे तो मेरे आंख पे कोई डिफरेंस नहीं पड़े, ये सब डिजाइन देने वाला बात हो गया, मन लग गया इसीलिए ले ली, बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे दोस्तों देखिए तो आईपीएल में कुछ फर्क पड़ रहा है, देखिए तो देखिए बिना चश्मा का, अब चश्मा का कुछ फर्क पड़ रहा नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठग लिया हमको क्या भाई, मेरे विजन के लिए मतलब कि हम आंख में लगेंगे तो मेरे आंख में कोई दिक्कत है, कैमरा का विजन समझ रहे, थोड़ा मिस प्रिंट हो जाता, क्या रहा है कैसा लग रहा है, चला ना मैच देखो ना, मैच इन पर ले गया, क्या गया, हम इस साइड बैठे हुए तो कैसे चले जाएगा, समझ रहे हैं ना दोस्तों ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, ई रहा आईडी दोस्तों, आई लव यू, बाय 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 बाय।